उत्तराखंड में 20 दिन बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है, लेकिन मौसम के बिगड़े मिजाज के चलते यात्रा की तैयारियां ठप पड़ी हुई हैं। 22 अप्रैल से गंगोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन बारिश और बर्फबारी यात्रा की तैयारियों के लिए डबल मुसीबत साबित हो रही है। यात्रा की तैयारियों को लेकर उत्तरकाशी प्रशासन ने होटल व्यवसायियों, व्यापार मंडल और टैक्सी यूनियन के लोगों के साथ बात की है। यात्रा के सफल आयोजन के लिए प्रशासन ने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को 12 सेक्टर्स में बांटा है। डीएम का कहना है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी तैयारियां चाक चौबंद कर ली जाएंगी। यही हाल केदारनाथ धाम का भी है, जहां रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से केदारनाथ में चल रही तैयारियां बंद है और केदार घाटी में पुनर्निर्माण का काम भी ठप पड़ा है। केदार घाटी में आमतौर पर फरवरी के बाद बर्फबारी का सिलसिला थमने लगता है, लेकिन इस बार मार्च महीने में भी केदारनाथ में हो रही बर्फबारी से शासन प्रशासन के माथे पर शिकन पड़ी है, क्योंकि 15 अप्रैल से ही केदारनाथ धाम में स्थानीय लोगों की आवाजाही शुरू होने जा रही है। निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने नगर निगमों पर जीत के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। यूपी के 17 नगर निगमों पर एक बार फिर से भाजपा की जीत दर्ज करने के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। 17 नगर निगमों में भाजपा 68 सामाजिक सम्मेलन करेगी। हर नगर निगम में 4 सम्मेलन आयोजित होंगे, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, बीएल वर्मा, एसपी सिंह बघेल, भानु प्रताप वर्मा के अलावा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा कई राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। हमारा जो नीचे का सिस्टम है, वो वार्डों के प्रत्याशी, नगर पालिकाओं के प्रत्याशी, नगर पंचायतों के प्रत्याशी, मेयर के, सब पर हमारी टीम होमवर्क कर रही है। 2017 में हुए नगर निकाय चुनावों में भाजपा ने 16 में से 14 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि बसपा ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। शाहजहांपुर भी नगर निगम घोषित होने के बाद इस बार नगर निगमों की संख्या 17 हो गई है। ऐसे में भाजपा वोटर्स के बीच नाराजगी दूर करने के अलावा पिछली सफलता दोहराने के लिए हर वर्ग को पाले मिलाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि नगर निकाय चुनाव की तारीखों का बहुत जल्द ऐलान होने वाला है। निकाय चुनाव के लिए बसपा ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी को लेकर लखनऊ में मायावती ने एक बड़ी बैठक की। निकाय चुनाव को लेकर बसपा की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव की तैयारियों की कमान खुद बसपा सुप्रीमो मायावती संभाल रही है और निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यूपी के सभी 75 जिलों के मंडल कोऑर्डिनेटर्स और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मायावती ने निकाय चुनाव तक पार्टी की सभी गतिविधियों को स्थगित कर दिया है। बन्ने बहन जी ने ये तय किया कि हमारे अन्य मैंने वरिष्ठ पदाधिकारियों को और वर्करों को जो अन्य प्रोग्राम दिए गए थे बूथ स्तर पर काम करने के लिए, सेक्टर स्तर पर वो संगठन तैयार करने के लिए, तो इन सारे कामों को तब तक स्थगित कर दिया गया है जब तक नगर निकाय का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता, यानी हम सारा फोकस नगर निकाय के चुनाव पर करने जा रहे हैं। इसके अलावा बसपा के दलित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए मायावती ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए अब पार्टी कार्यकर्ताओं को अम्बेडकर जयंती मंडल स्तर के बजाय अब टाउन स्तर पर मनाने का आदेश दिया है। और यही नहीं, हम जो बाबा साहेब की जयंती जो पहले मंडल स्तर पर मनाते थे, इस बार की जयंती बाबा साहेब की हम टाउन एरिया स्तर पर मनाएंगे, जहां नगर पालिका है नगर पालिका स्तर पर मनाएंगे, जो नगर निगम की सीटें हैं नगर निगम के स्तर पर मनाएंगे। दरअसल निकाय चुनाव बसपा के लिए ताकत पर रखने का बड़ा मौका है, जिसके परिणाम 2024 से पहले पार्टी की तैयारियों पर बड़ा असर डालेंगे। पार्टी निकाय चुनाव के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर रही है, मजबूती से तैयारी कर रही है और पिछली बार से ज्यादा बेहतर परिणाम इस बार आएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।